हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। लेकिन हम लोग के इधर काफी ही अफरा तफरी का माहौल चल रहा है। आप लोगों के विशेष डिमांड पे मैंने ये वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ और उम्मीद आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा ही अच्छा लगे। और ये इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए है क्योंकि इसमें माही मनीषा जो आई हुई थी खजोली में, इसका एक एक वीडियो के द्वारा आप लोगों को इसमें दिखाया जाएगा कि किस कारण बस यहाँ पे बवाल हुआ और काहे बवाल हुआ, हर एक चीज। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ की लोकेशन देख सकते हैं, भीड़ का अनुमान आप लोग खुद लगा लीजिए कि यहाँ का भीड़ कितना है। लगभग नहीं कुछ तो हमारे अनुमान से 3 लाख से ऊपर आदमी था। माही मनीषा जी को पहुँचते ही यहाँ पे माहौल काफी ज्यादा ही शांत था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय गुजरने के कारण यहाँ के जनता में आक्रोश फैलता जा रहा था। लेकिन यहाँ का कमेटी के द्वारा विशेष ध्यान नहीं रखा जा रहा था। 1 से 2 रिकॉर्डिंग बजा जो कि आप देख सकते हैं हम लोग के सामने चल रहा है। यहाँ के प्रोग्राम मुश्किल से 10 मिनट चला होगा, क्योंकि प्रोग्राम 5 से 10 मिनट चलने का कारण यह है कि यहाँ का भीड़ पे काबू पाना यहाँ के प्रशासन के द्वारा नामुमकिन लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये भीड़ कभी भी उस सबको कुचल सकता है, करोड़ों के करोड़ बोला जाए हम बोलने के लिए तो। लेकिन यहाँ पे लगभग 3 लाख प्लस आदमी आया हुआ था। भीड़ इतना ज्यादा था कि खजोली बाजार के 2 किलो एरिया में पूरे जाम लगा हुआ था। माही मनीषा का 2-4 डांस हुआ, फिर यहाँ के दर्शक लोग काफी ज्यादा झूमे। इसके बाद हुआ कुछ ऐसा, आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उम्मीद है कि आप लोग करिएगा। तो देख सकते हैं एक रिकॉर्डिंग डांस हुआ दूसरे डांसर का, जहाँ पे जनता लोग जितना भी दर्शक था उस सबको थोड़ा सा ना गवार गुजरा, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा होते जा रहा था, 2 बजने के आसपास था और यहाँ माही मनीषा सिर्फ 2 रिकॉर्डिंग की हुई थी। लेकिन इसके बाद मोमेंट बिगड़ने का सिचुएशन आ चुका होता है। होता कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक अलाउंसर आता है और अपने आप को बड़का ही मोहम्मद रफी समझने लगता है। यहाँ की वो बीच में प्रोग्राम में ही रुक के अपना गाना अपने कला का प्रदर्शन करना शुरू करता है। जनता लोग काफी ज्यादा ही आक्रोश में आ जाता है क्योंकि इतना देर हो चुका था। लेकिन अभी वो मोमेंट है जहाँ चप्पल चलना शुरू होता है और आप लोगों से उम्मीद है कि चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब करें। यही मोमेंट के बाद यहाँ का मोमेंट बिगड़ जाता है और यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल होता है। माहौल इतना बिगड़ जाता है कि क्या ही बतलाए, कैमरा उठाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी कैसे भी करके हम वीडियो शूट करते हैं, देख सकते हैं एक बार में लगता है 100-100 चप्पल स्टेज पे चल, और उसी समय में स्टेज का लाइट बंद होता है और होता है अफरा तफरी शुरू। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, शूट भी काफी अच्छा तरीके से किया गया है। लेकिन आप लोग से उम्मीद है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे आने वाला ब्लॉग भी आप लोगों के लिए बनाएंगे हम। ये वीडियो से सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, देख सकते हैं छत का कोना कोना भरा हुआ। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखलाने वाला हूँ कि यहाँ का सिचुएशन बिगड़ते ही क्या माहौल हुआ। स्टेज पर कुछ देर तक तो यहाँ पे जनता लोग रहे, जनता लोग क्या वहाँ का जो कमिटी सब था वो रहे। आप देख सकते हैं इसका लाइट कट चुका है, अब यहाँ से माहौल बिगड़ चुका है। माहौल बिगड़ते ही थाना इंचार्ज या थाना का जो स्टाफ था कुछ दर्शकों पर लाठी चार्ज कर दिया। इसके बावजूद भी चप्पल अभी तक देख सकते हैं उड़ी रहा होगा काफी, लगभग एक बार हमको लग रहा है 10,000 चप्पल उड़ गया होगा एक बार में। इसके बाद देख सकते हैं भगदड़ यहाँ से शुरू होता है और बवाल हो जाता है। इस अफरा तफरी में कितना आदमी पिचाया है वो जो हम काउंट नहीं कर सकते। हम लोग खुद एक सेफ सिचुएशन में जा करके, सेफ जगह से जा करके इस चीज़ को एक एक पल को कैद कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा डर था। काहे कहा कि यहाँ पे रैक पॉइंट होने के कारण जो है यहाँ पे कभी भी गिट्टी फेंका जा सकता था। हुआ कुछ ऐसा ही, यहाँ पे प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज करते यहाँ का जितना भी दर्शक था उग्र हो गया और उग्र रूप धारण करके आप देख सकते हैं भीड़ इतना था कि रोड का एक एक कोना जाम हो चुका था, कहीं से कोई भाग नहीं सकता था। जैसे जलियांवाला बाग में एक गेट था, यहीं भी एक एक गेट था, बाकी खेत की तरफ भागना था। बाकी लोग तो खेत की तरफ भागे, लेकिन जो कुछ भी बच गया उसको लाठी चार्ज हुआ। लेकिन पुलिस जितना भी था सबको अंदर में बंद कर दिया गया एक रूम में। वो बंद नहीं किया गया, वो लोग खुद डर के मारे अंदर चले गए। सिचुएशन इतना बिगड़ चुका था, भीड़ उग्र रूप धारण कर चुका था। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि बाउंड्री के बगल का क्या सिचुएशन है। भीड़ इतना है कि छत तो क्या बोले, हमको लग रहा छत पर चढ़ने के लिए वहाँ का जनता लोग पैसा ले लेकर के छत पर आदमी सबको चढ़वाया, अब अपने छत पर से दिखवा रहा था। हम लोग को आने में काफ़ी ज़्यादा देर हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग एक एक सिचुएशन को कैद किया। देख सकते बाहर का नज़ारा किस प्रकार का, यहाँ पे एक चुट्टी का नाम तो सुने छे कहावत, एक चुट्टी गुजरने का समय नहीं है, जगह नहीं है, तो वो एक चुट्टी गुजरने का भी जगह नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग अपना लोकेशन चेंज करते हैं, फिर एक दूसरे लोकेशन से इस चीज़ को कैद करते हैं और यहाँ पे उग्र रूप यहाँ का जनता लोग धारण कर चुका था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा, जितना भी कमेटी हो, डांसर हो, प्रशासन हो, हर एक आदमी यहाँ से निकल गया था और सिर्फ यहाँ पे दर्शक पहुंच गया और वो अपना कर्तव्य दिखाना शुरू करता है। कर्तव्य ऐसा दिखाता है कि यहाँ का दर्शक यहाँ का जो प्रशासन है वो खौफ के मारे भागना शुरू करता है। लेकिन यहाँ का बांस का जो कहता नहीं है, बिहार में जो लाठी चली है तो कोई नहीं बची है।
फिर देख सकते हैं यहाँ पे इतना तहलका मचता, हमको देख के खुद आक्रोश आ रहा था कि इतना क्षति हुआ है कि हम लोग बतलाने से, लगभग 3 पिकअप यहाँ पे बाजा आया हुआ, तो उसका एक ठो हमको नहीं लगता है बाजा उसको काम योग में होगा। लेकिन यहाँ का लड़का लोग को भी बहुत गलत किया, जो भी किया ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया, क्योंकि थोड़ा सा सिचुएशन बिगड़ने के कारण ये सब हुआ है। अब हम लोग क्या करें, अफरा तफरी में होता ही यही है कि थोड़ा से जिम्मेदारी कोई न लेने के कारण ये सिचुएशन, तो देख सकते सामने में बक्सा का क्या हाल है, एक एक बक्सा को बांस के द्वारा पीटा जाता है और एक एक बक्सा को फोड़ फाड़ के जला दे, कुछ बक्सा तो क्या कहें फोटो ना रिवील हो, इसलिए कुछ कुछ बक्सा को तो लोग ले के भी चला गया, अपने कंधे पर उठा उठा करके लेके निकल गया। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगा, हमने इस वीडियो को बहुत ही सेपरेट तरीके से शूट किया है। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उम्मीद है कि आप जरूर करिए। इसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कि कुछ देर के लिए फिर लाइट जला, लाइट जलते ही कुछ देर फिर लगा कि क्या ही बदले, यहाँ को बक्सा को इस तरह से पीटा जा रहा था जैसे धोबी के द्वारा एक ठो जो उसका कपड़ा को पीटा जाता है मुंगड़ी से, उससे भी बदतर तरीका से पीटा जा रहा था। थाना का जितना भी मेंबर था, स्टाफ था, सब इसके बैक में, बैक में एक बिल्डिंग है उसके छत से वो लोग सिर्फ वहाँ से वो लोग भी लाइव देख रहे थे। सबसे गजब तो तब हुआ कि यहाँ का जनता लोग वहाँ पे एक बाइक रखा हो तो वहाँ से पेट्रोल लाकर के यहाँ पे आग लगाना चाहे लेकिन आग नहीं लग पाए। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा हो। एक एक वाक्य आप लोगों को देखने को मिला होगा, कुछ वाक्य छूटा होगा, हमको नहीं लगता छूटा होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वीडियो में सारा कुछ इसमें दिखा दिया हूँ कि कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ पहुँचा, कैसे हुआ, क्या सब हुआ यहाँ पे। सारा सिचुएशन देखने के बाद आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उम्मीद है कि आप लोग जरूर करिएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या माहौल था क्रिएट हुआ कि ये सब सिचुएशन देखने को सबको मिला। बाजा का सिचुएशन देख रहे, पेटी को इतना पीटा गया, इतना पीटा गया जैसे लग रहा था बाहर से कि यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पीट रहा था तो आवाज़ इतना आ रहा था जैसे लग रहा था बेस बज रहा है, लेकिन एक एक डिस्को लाइट को फोड़ा गया, सोडियम चुराया गया, यहाँ पे हर एक चीज़ किया गया। बस एक इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चल, रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उम्मीद है कि आप लोग करिएगा। आप लोगों के लिए वीडियो मैंने सेट कर, ये सिचुएशन जो देख रहे हैं ये हम लोग जाने वक्त का, ये खजौली स्टेशन का है सिचुएशन जो देख सकते हैं, यहाँ पे भीड़ कितना ज़्यादा, यहीं से आप लोग को पता चल जाएगा। ये जो भीड़ आप लोग को दिख रहा है ये खजौली स्टेशन का व्यू है जो काफ़ी ज़्यादा ही भयावह है, इतना ज़्यादा जनसंख्या है कि रेल दुर्घटना का कभी भी यहाँ पे आसार लगा हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।